हेलो फ्रेंड्स, मैं लखमाई मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने ये थर्ड ईयर की लिटरेरी हिस्ट्री की पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे अपन जो लिटरेरी टर्म्स के बारे में। लिटरेरी टर्म्स के केवल चार ही टॉपिक है, देख लीजिए उनके बारे में। देखिए, पहली लिटरेरी टर्म्स हैं आपके एंटीथेसिस। एन एंटीथेसिस मस्ट ऑलवेज कंटेन टू आइडियाज विद इन वन स्टेटमेंट। एंटीथेसिस आर यूज टू स्ट्रेंथन एन आर्ग्यूमेंट बाई यूजिंग आइदर एग्जैक्ट अपोजिट और सिंपली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड बोथ। दे टिपिकली मेक ए सेंटेंस मोर मेमोरेबल फॉर द रीडर और लिसनर थ्रू वेरियंस एंड एम्फेसिस ऑफ द वर्ड्स। देखिए, दोबारा देखिए। एन एंटीथेसिस मस्ट ऑलवेज कंटेन टू आइडियाज विद इन वन स्टेटमेंट। एंटीथेसिस आर टू स्ट्रेंथन एन आर्ग्यूमेंट बाई यूजिंग आइदर एडजेक्ट अपोजिट और सिंपली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड बोथ। दे टिपिकली मेक ए सेंटेंस मोर मेमोरेबल फॉर द रीडर और लिसनर थ्रू वेरियंस एंड एम्फेसिस ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट देखिए सिंबल। ए सिंबल इज ए मार्क, साइन और वर्ड दैट इंडिकेट सिग्निफाइज और इज अंडरस्टूड एज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप। सिंबल अलाउ पीपल टू गो बियॉन्ड वाट इज नॉन और सीन बाई क्रिएटिंग लिंकेज बिटवीन अदरवाइज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए। ए सिंबल इज ए मार्क, साइन और वर्ड दैट इंडिकेट सिग्निफाइज और इज अंडरस्टूड एज रिप्रेजेंटेड एन आइडिया ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप। सिंबल अलाउ पीपल टू गो बियॉन्ड वाट इज नोन और सीन बाई क्रिएटिंग लिंकेज बिटवीन अदरवाइज एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट टर्म्स। आपके नेक्स्ट टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग ए पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इट कॉम्प्रेसेस इनटू सिंगल विविड सीन ए नैरेटिव सेंस ऑफ द स्पीकर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल इनसाइट कैरेक्टर। बार देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग ए पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इट कॉम्प्रेसेस इनटू सिंगल विविड सीन ए नैरेटिव सेंस ऑफ द स्पीकर्स हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू द कैरेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पैराडॉक्स। देखिए, ए स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और एब्जर्व बट इन रियलिटी एक्सप्रेसेस ए पॉसिबल ट्रूथ। ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एंड फॉल्स प्रपोजिशन एनी पर्सन थिंग और सिचुएशन एग्जिस्टिंग एंड अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर। देखिए, नाउन स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और एब्जर्व्ड बट इन रियलिटी एक्सप्रेसेस ए पॉसिबल ट्रूथ। ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एंड फॉल्स प्रपोजिशन एनी पर्सन थिंग और सिचुएशन एग्जिस्टिंग एंड अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर। ठीक है, अब आपके लिटरेरी टर्म्स ये भी फिनिश हो गई है। अब एक यूनिट जो लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स की थी वो फिनिश हो गई है। आपको इन्हें लर्न करना है।